तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप स्वागत है आप लोग का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो आज है सोमवार का दिन और 5 तारीख है, और चैलेंज अपने आप को लिए हुए हैं कि एक वीक में मतलब 7 दिन में मंडे टू संडे मतलब कि 25,000 का अर्निंग करना है, और उसमें से कितना तेल जाएगा और मेंटेनेंस कितना किया है एक वही संडे के मंडे को पता चलेगा, लेकिन संडे तक ये पता चल जाएगा कि कितना अर्निंग कर चुके हैं। आज तो 10 बजे निकले हैं, लेकिन 10 बजे निकलने से उतना टारगेट पूरा नहीं होगा। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, कम से कम 13-14 घंटा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद चैलेंज पूरा होगा। लेकिन चैलेंज तो पूरा करना है, चैलेंज ले लिए हैं तो पूरा करना है। देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं। सक्सेस होने का तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, कहें कि जब चैलेंज लिए हैं अपने आप से तो सक्सेस करना ही। देख प्रत्येक डे का अर्निंग भी इस चैनल पे भी जाएगा, और किस एरिया में कितना हम अर्निंग किए ये भी बताएंगे। देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और किलोमीटर भी जीरो कर चुके हैं, निकल चुके हैं, आनंदपुर में भी बैठे हुए हैं। देखते हैं कब तक मिलता है नहीं मिलता है। आज लेट हो गया, लेकिन कल से लेट नहीं करना है। तो दोस्तों अभी आ गए शॉर्ट लेग में बैठे हुए हैं। शॉर्ट लेग तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो काफ़ी दिन आधा घंटा बैठने के बाद हमको शॉर्ट लेग का अच्छा बुकिंग मिल रहा था, मतलब कि मिला 410 रुपये, जो कि हमको 360 रुपये के आसपास कमीशन काट के मिलेगा। अभी तक तो फर्स्ट ट्रिप कर चुके हैं, और सेकंड ट्रिप के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से जो भी मिलेगा, और रेपिडो भी खोल देंगे, उबेर भी खोल देंगे, एंड ड्राइव तो है ये है। यहाँ पर ज़्यादा रुकने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 2-3 घंटा बैठा ही देता है। तो इससे अच्छा है छोटा मोटा जो भी मिल जाए लेके इधर से निकल जाना ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि सब गाड़ी तो इधर ही आ रहा है और इधर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पकड़ना पड़ेगा छोटा या बड़ा जो भी मिल जाए, या इधर से निकल जाना, निकल के अपना एरिया में चले जाने से, मतलब अपना एरिया बोले तो वही टालीगंज बाजद्रोनी पाटली की तरफ में जाने से बहुत बहुत मतलब दिन का अच्छा चला जाएगा। अगर उधर अभी चले जाए, नहीं जाते हैं तब तो जो इधर पका दे, बुकिंग नहीं मिलता, बैठ बैठ के टाइम पास होता है। तो देखते हैं कब तक हमको मिलता है बुकिंग, नेक्स्ट बुकिंग। तो शॉर्ट लेग में लगभग हमको आधा घंटा तो बैठना ही पड़ा। बैठने के बाद हमको डायरेक्ट यहाँ पर मिल गया कस्बा इंडस्ट्रियल का डबल ड्रॉप था। एक आपका अपोलो हॉस्पिटल का था जो कि वहाँ से पिक था, और अपोलो हॉस्पिटल के ऑपोजिट ही। और आने के बाद थोड़ा बहुत जाम मिला, ज़्यादा जाम मिला नहीं, और आके यहाँ पे कस्बा इंडस्ट्रियल में ड्रॉप कर चुके हैं। यहाँ पे हल्दीराम के पास में आके बैठे हुए हैं। हल्दीराम बोले तो यार प्लॉट के अंदर में ही है एक तो हल्दीरा, यहीं पे आके बैठे हुए हैं, और यहाँ से देखते हैं कितना देर वेट करना पड़ता है। जैसा सोमवार के दिन जैसा होना चाहिए वैसे बुकिंग आ नहीं रहा, ऐसे भी बरसात की वजह से, लेकिन फिर भी चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है। देखिए कहाँ तक सक्सेस होता है, लगे तो रहना है। तो दोस्तों आर प्लॉट में थोड़ा देर वेट करने के बाद हमको जोधपुर पार्क मिल गया, और जोधपुर पार्क में सोचे कि थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, लेकिन वहीं से फिर हमको वहाँ का मिल गया ले गार्डन। तो ले गार्डन में सोचे कि तो वो भी बढ़िया है, कहें कि वहाँ पे विवेकानंद पार्क के बगल में आपको खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है वहाँ। तो सोचे कि इसको पिकअप करके वहाँ पे ड्रॉप करके खाना वाना खा लिया जाएगा। खाना खाने के बाद दोस्तों अभी बैठे हुए हैं जोधपुर में, खाना खाने के बाद वहाँ से मतलब एक बुकिंग मिल गया हमको यहाँ पे इन ड्राइव में आया है केशवपुर में, और केशवपुर में इतना भीतर में आके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीतर में आ गए, और यहाँ से बुकिंग अभी मिल नहीं रहा है। लगभग हम 20-25 मिनट वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, और थोड़ा 10-15 मिनट वेट किया जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा, निकलेंगे वहाँ शॉर्ट लेग में निकल जाएंगे। शॉर्ट लेग निकलेंगे तो वहाँ से हो सकता है बुकिंग मिल जाए। देखिए अभी तो टाइम हो रहा है, शाम बजने वाला है, 4 बजने वाला है, अभी तक अर्निंग हो चुका है 1200 रुपये अर्निंग हो चुका है। आप देखिए लास्ट और कितना जा, और आज कम से कम 3000 का लगभग हो जाता है, तो टारगेट स्थगित रहेगा। तो दोस्तों केशवपुर में थोड़ा देर वेट करने के बाद उबेर में बजा था, तो उबेर को जा रहे थे पिकअप करने, जस्ट अभी पिकअप लोकेशन पहुंचे तब तक कैंसिल हो गया। तो उसमें ये है कि कैंसिलेशन चार्ज मिल जाता है, 17 रुपये कुछ पैसा मिल गया, और ज़्यादा दूर नहीं, हमको 700 मीटर गए थे पिकअप करने के, तब तक जस्ट वहाँ से दो मैंने वो 1 मिनट भी नहीं लगा हमको इन ड्राइव में बज गया। इन ड्राइव में बजा तो JW में रेट का बजा 250 में, जो कि काट कूट के हमको 7 किलोमीटर का था, 250 में 225 रुपये मिला कमीशन उमीशन काट के। JW मेरिट के बगल में आके बैठे थे, और अगर आप लोग JW मेरिट और रॉयल बंगाल के बगल में बैठ बीच में जो एक रास्ता जाता है उस बीच में बैठते हैं, तो वहाँ पे पुलिस अभी केस दे रहा है, इतना खतरनाक केस दे रहा है, सबको पकड़ पकड़ केस दे रहा है, उधर काम चल रहा है, वैसे खाली करा कर जो नहीं मानता उसको केस दे देता है, इसीलिए उधर तो हम गए नहीं। एक्टिव की तरफ में गए थे, उधर में उसी की तरफ में थोड़ा फाँका वाका था, तो उधर में लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता है, उधर जाम भी नहीं होता है,
वही बैठे थे तब तक वहाँ से मिल गया हमको, जेडब्ल्यू मिरिया से ही मिला, तो वहाँ से पिकअप किए यहाँ पे हालतू में आके ड्रॉप किया, और हालतू में आके थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए। नाश्ता पानी करने के बाद हमको एक 150 का बुकिंग मिला, 2 किलोमीटर का था ड्रॉप करके। अभी बैठे कस्बा न्यू कस्बा में, और यहाँ से देखते हैं। अभी तो 1850 रुपये अर्निंग हुआ है, कम से कम 3000 तो अर्निंग करना, अभी भी 1000 रुपये कम से कम 1000 रुपये करना है। 11-12 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा, 10 बजे निकले, 12 बजे तक लास्ट हार्डली, मतलब 12 बजे 11 बजे कोशिश किया जाए कंप्लीट हो, देखिए कब तक कंप्लीट होता। अभी तो पीक टाइम का भी टाइम हो गया, अभी इधर में आप पार्क स्ट्रीट में चले जाइए, चिंगड़ी घाटा और सेक्टर 5 न्यू टाउन की तरफ जाते हैं, तो उधर से आने में बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए सोच रहे हैं कि इधर ही 2-4 ट्रिप मार ले छोटा छोटा करके, और 8 बजे के बाद उस एरिया में जाएंगे तो थोड़ा पिकअप जाम का इलाका कम रहेगा और जाम का झमेला भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी साउथ सिटी में आपका न्यू कस्बा से मिला था कॉन्ट्रैक्ट भाड़ा 200 रुपया में साउथ सिटी में, और साउथ सिटी में मिला था, अब यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, और यहीं से हमें बुकिंग मिल गया आपका शॉर्ट लेग 1 16 किलोमीटर है, 452 रुपये यानी 450 का लगभग दिखाया है। देखिए टाइम भी दिखाया है हमको 40 से 45 मिनट, और पिक टाइम है तो थोड़ा जाम रहेगा, और उधर जाते जाते हो सकता है जाम थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो सही टाइम पे जा रहे हैं, और देखिए पिक करते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ का बुकिंग मिले। तो दोस्तों साउथ सिटी में कॉन्ट्रैक्ट भाड़ा लेके गए थे, उसके बाद वही साउथ सिटी से ही हमको मिल गया शॉर्ट लेग सिटी सेंटर वाला, जो कि 452 रुपये का था, कट कुट के हमको लगभग 410 रुपये के आसपास मिला था। उसके बाद वहीं से हमको मिल गया चिनार पार्क, और चिनार पार्क में ड्रॉप करके लगभग हमको 40 से 45 मिनट बैठना पड़ा होगा। और उसके बाद बैठे तो हमको एक जेडब्ल्यू मेरियड का मिल गया कोई खली से, जो कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एम्प्टी करना पड़ा अंदर। उसके बाद जेडब्ल्यू मेरियड ड्रॉप कर दिए, तो सोच रहे थे घर और जाएंगे, कहीं किसी की बुकिंग बज नहीं रहा था कब से, लगभग 10 से 15 मिनट के बाद हमको बुकिंग मिला और रेल विहार का ही मिला। रेल विहार ड्रॉप करके अभी तो घर आ चुके हैं, और किलोमीटर भी स्क्रीन पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 141 किलोमीटर चला था। अर्निंग भी लगभग 3000 इन ड्राइव में खड़े थे, और कॉन्ट्रैक्ट 200 का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी 3200 रुपये का आज अर्निंग। यानी एक चीज सीखने को मिला है कि अपने आप को आप चैलेंज देते हैं, लाइफ में टारगेट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस होता है लाइफ में। अगर प्लानिंग करके चलने से लाइफ हमेशा जो भी आप काम करिए उसको प्लानिंग के हिसाब से करिए, वो सक्सेस ही सक्सेस। तो देखिए मेरा तो प्लानिंग से एक सप्ताह में एक दिन तो सफल हुआ, लेकिन बाकी 6 दिन है, प्लानिंग के हिसाब से ही चलना है, और कहाँ तक सफल हो बाकी अपना मेहनत, बाकी देने वाले तो सब ऊपर वाले भगवान हैं। चलिए दोस्तों गुड नाइट, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर इंतजार। अभी तो ड्यूटी भी लगभग 11 बज रहा है, 10 बजे निकले थे, 11 घंटा ड्यूटी। चलिए दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन घंटी को दबाइए, ताकि आप लोग को जो भी नया वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए, कहेंगे चैलेंज वाला वीडियो। एक सप्ताह में आप लोग को पता ही चलेगा कि मैंने किस एरिया में हम भाड़ा कितना घटे हैं, और किस दिन में कितना ज़्यादा घटे हैं कितना कम, ये भी एक आइडिया मिलेगा।